अपर्णा पुरोहित का नाम आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ओटीटी मीडिया में देश के लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले कंटेंट को न सिर्फ बढ़ावा दिया बल्कि प्रसारित भी किया, जिससे देश के कई हिस्सों में असंतोष फैला। अपर्णा अमेज़न इंडिया की ओरिजिनल कंटेंट हेड है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कंटेंट को देखकर प्रसारित किया जाए, लेकिन तांडव के अलावा कई ऐसी फिल्में लगातार इस प्लेटफॉर्म से प्रसारित की जा रही थी जिसमें हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से और हिंदू धर्म का भी गलत तरीके से प्रचार प्रसार और भ्रम फैलाया जा रहा था। लोगों के आक्रोश के बाद देश की अदालतों और कानून व्यवस्था को आगे आना पड़ा, जो कि सही भी है। अपर्णा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो अपनी मूलभूत अधिकार के नाम पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका डाली, जिसे कोर्ट ने न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि ये भी कहा कि उन्होंने लोगों की मूलभूत अधिकारों का हनन किया है। तो ऐसे में कोर्ट भी उनकी स्वतंत्रता की मूलभूत अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि भले ही कहानी काल्पनिक होती है, लेकिन वहां भी ये सोचना जरूरी है कि लोगों की धार्मिक आस्था ना बिगड़े, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और सिर्फ माफी मांग लेना मात्र कोई विकल्प नहीं है। कई बड़े डायरेक्टर राइटर के साथ काम कर चुकी अपर्णा पुरोहित ने कई अच्छी कहानियों पर काम किया है, जिसमें कई उन्होंने लिखी भी है। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से पत्रकारिता के बाद जेएनयू, जी हाँ वही कॉलेज जहाँ देश के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो नींव देशद्रोह की कहां से आई ये बताना जरूरी नहीं है। सोनी टीवी से करियर की शुरुआत करने वाली अपर्णा यू टीवी में आगे बढ़ी, फिर रिलायंस बिग पिक्चर्स पहुंच गई। श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा के लिए काम कर चुकी अपर्णा ने आगे ऋतुपर्णा सेन के साथ काम किया। अपर्णा अब दो बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने NFDC का दामन थामा, जहां उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में जिसमें द लंच बॉक्स, तितली, लिपस्टिक, अंडर माय बुर्का जैसी फिल्मों का निर्माण किया। दरअसल अपर्णा बताती हैं कि जेएनयू के जमाने से अलंकृता श्रीवास्तव उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अलंकृता जिन्होंने लिपस्टिक, अंडर माय बुर्का जैसी फिल्में बनाई हैं। ये तो बात रही उनके करियर की, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि उनकी एंट्री अमेज़न में कैसे हुई। दरअसल NDFC में स्क्रीन राइटर का काम करते वक्त उन्होंने कई क्रिएटिव फिल्मों में काम किया, जैसे मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, मसान और उमरी का मुख्य रही। उनके इसी काम को देखते हुए 2015 में उन्होंने अमेज़न ज्वाइन करने का मौका मिला और फिर अपर्णा अमेज़न की OTT प्लेटफॉर्म प्राइम से जुड़ गए। अमेज़न प्राइम पर एक से बढ़कर एक भारतीय वेब सीरीज आई, मिर्जापुर, फैमिली मैन, ब्रीथ इनटू द शैडोज, गिव मी फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज, पाताल लोग, बंदिश, बैंडिट्स जैसी फिल्मों के बाद कई डायरेक्टर्स का ध्यान OTT मीडिया की तरफ आया। इन वेब सीरीज को पसंद तो किया गया, लेकिन इनकी आलोचना भी कम नहीं हुई, खासतौर से पाताल लोक की। इस वेब सीरीज में दिखाया गया कि कैसे हिंदू समाज हिंसक है, वो राजनीति करते वक्त देश की नहीं सोचता, वो देशद्रोही है, कैसे हिंदू मंदिर में मांस मदिरा के साथ साथ अपने घर में पल रहे कुत्ते के नाम भी अपनी देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं, जो कि देश के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे कंटेंट बाजार में ना आए, इसकी जिम्मेदारी अपर्णा पर ही थी। अपर्णा की बातें बड़ी बड़ी हैं। एक इंटरव्यू में तो वो बोलती दिखी कि वो जो भी कहानी पढ़ती हैं उसमें ये जरूर ध्यान देती हैं कि औरतों की स्थिति को बहुत गलत तरीके से ना दिखाया जाए, लेकिन OTT मीडिया के इस प्लेटफॉर्म में आई कई फिल्में उनकी इस बात को पूरा करती नहीं दिख रही हैं। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।